इससे जुड़ी अपडेट भी सामने आ रही है। हादसे में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 11 पहुंच चुका है। ये दुखद हादसा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ। रेल हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कई यात्री इस वक्त घायल भी हैं, जिनका वहां के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों के परिजनों के लिए आपको बता दें कि राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जितने भी यात्री घायल हुए हैं उन्हें भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से, जहां पर आपको बता दें कि 2 ट्रेनों की टक्कर हुई थी और इसके बाद विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही ट्रेन, ये पैसेंजर ट्रेन थी जो कि पटरी से उतर गई। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 29 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत भी की और आपको बता दें कि इसके तुरंत बाद ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया, घायलों को भी आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके इस हादसे पर दुख जताया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने खुद रेल मंत्री से बातचीत करके जायजा भी लिया है, तो तस्वीरें भी इसकी कुछ सामने आ चुकी है। 2 ट्रेनों के बीच दरअसल टक्कर हुई थी, जिसके बाद पैसेंजर ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई। 11 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है।